खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। खरगोन जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार ने संसद में 2019-2020 का जो आम बजट प्रस्तुत किया था उसमें मध्य प्रदेश राज्य के साथ भेदभाव करते हुए आवंटित राशि में से 2677 करोड़ रुपए की राशि कम कर दी है। केंद्र की इस भेदभावपूर्ण नीति को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित कर विरोध प्रदर्शन किया गया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। शाही के खिलाफ प्रदर्शन है, सीधा एक शब्द में बोले तो, क्योंकि आज जब से इनकी सरकार बनी तब से तानाशाही देखते आ रहे हैं। तो ये तो अति हो गई है कि मध्य प्रदेश जो भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा है ही वो, उसके बावजूद उसके साथ में सौतेला व्यवहार करने जा रहे हैं। ये कारण सिर्फ एक है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। क्या कांग्रेस की सरकार होना गुनाह है? क्या यहाँ की जनता ने कांग्रेस को चुना है, गलत है? नहीं, वो सिर्फ चाहते हैं कि जो बीजेपी की बात करता है या जहाँ बीजेपी शासित है सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करते हैं, बाकी उनके दुश्मन है। ये जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है इसके खिलाफ जनता में आक्रोश है और हमारी पार्टी कभी चुप नहीं बैठेगी। इसके लिए अभी कोई टोकन है, इसके आगे पूरे देश में आंदोलन छेड़ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर गोविंद मुजालदा। प्रदेश सरकार के हिस्से के 2677 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट में काट लिए। इससे मध्य प्रदेश के विकास के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्र के मध्य प्रदेश के विकास के ऊपर गलत दिशा में जाएगा। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर इस तरीके का धरना प्रदर्शन आंदोलन किया है और इसका राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी के साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बदसुलूकी की जा रही है, उनको पीड़ित परिवार से सोनभद्र में मिलने नहीं दिया जा रहा, उसके विरोध में भी आज सभी हमारे कांग्रेसजनों ने एकत्रित होकर के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। और मोदी सरकार की ये तानाशाही इस अब चलने वाली नहीं है। देश भर की जनता इसका विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी गली गली मोहल्ले मोहल्ले उनके इस तानाशाही का विरोध करेगी। क्या नाम है आपका? रवि नाइक। उज्जैन जिले